हाय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। एक घर को घर बनाने के लिए बेसिक रूप से तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला लोकेलिटी। तो ये आपका प्रोजेक्ट आगरा के दयालबाग में पॉल्यूशन फ्री एरिया और कहें पीसफुल एनवायरनमेंट ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर कोविड की वजह से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसलिए लोग चाहते थे कि ऐसी जगह पर उनका घर हो जहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट हो और ग्रीनरी हो चारों तरफ। दूसरी चीज़ जो किसी भी प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाती है वो है उस प्रोजेक्ट की एम्यूनिटीज़। तो इस प्रोजेक्ट में आपको जो जो एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि सभी फ्लैट्स के लिए पावर बैकअप दिया जा रहा है, फायर फाइटिंग सिस्टम्स इसमें लगाए हुए हैं, अगर कहीं पर कोई भी ऐसी कुछ बैड सिचुएशंस आ जाती है, आग लगने जैसी संभावना, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें दी जा रही हैं। और 24 आवर्स आपको सिक्योरिटी विद सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड की जा रही है। क्लब हाउस आपको दिया जा रहा है। पार्किंग का तो इसमें इतना सारा स्पेस है, अगर आपके पास 6 या 7 गाड़ियाँ भी हैं, अगर आपके गेस्ट भी आ जाते हैं सपोज़, तो भी आप कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। और स्विमिंग पूल आपको इसमें दिया जा रहा है। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि एक प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए चाहिए होती है, वो होती है उसकी बिल्ड क्वालिटी। तो चलिए एक बार चलते हैं इस फ्लैट के अंदर और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये प्रोजेक्ट आपका ADA से अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है और NGT क्लियर्ड है। तो विद डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिया जाएगा, तो इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है। और बाकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साइट विजिट के लिए भी आपको नंबर दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और साइट विजिट कर सकते हैं। स्पेशली नवरात्रि के सीजन में आपको काफ़ी सारा इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना देरी के चलते हैं हम अपने फ्लैट की तरफ। और ये हमारी पुष्पांजलि सीजन की लाजवाब सी एंट्री है, एकदम रॉयल लगती है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा कॉरिडोर वाला एरिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस दिया हुआ है, लाइटें भी इसमें लगी हुई है, ऐसा लगता है सितारे इसमें लगे हुए हैं। जब तक सनलाइट इसमें रहती है, सन दोपहर के टाइम पे इसमें काफी अच्छी इसमें धूप आती रहती है, तो आपकी ऐसी कोई वेंटिलेशन की दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और लिफ्ट का काम भी इसमें चल रहा है। चलिए चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने फ्लैट वाली लोकेशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी अच्छा व्यू इसमें दिखाई दे रहा है, पूरा पुष्पांजलि सीजन ऐसा लग रहा है तारों से सजा हुआ है, तो काफी अच्छा इसमें लग रहा है। सन से भी जो रेज आती है वो भी डायरेक्ट आपकी यहाँ से आ जाती है, तो वेंटिलेशन ही कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर, आइए। हम जैसे ही इस फ्लैट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसकी बिल्ड क्वालिटी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, किसी प्रोजेक्ट की सबसे खासियत होती है उसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आपकी जो चौखट है ये पूरी ग्रेनाइट की इसमें दी हुई है, जिससे पानी की वजह से कभी सीलन आ जाती है चौखट में, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से टूटने लग जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दीमक लग जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। तो ये समझिए लॉन्ग लास्टिंग सी गारंटी हो गई एक तरीके से। हम थोड़ा और अंदर चलेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये वो दिया हुआ है, बाहर अगर कोई भी आता है डोरबेल बजाता है, स्मार्ट लॉक का फीचर है। मैं आपको दिखाता हूँ एक तरीके से, मैं बाहर से डोर बेल बजाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ये डोर बेल बजाई तो इसमें मेरा फोटो आ जाएगा, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स का भी इसमें यूज किया गया है। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं फिलहाल के लिए, तो ये काफी आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो फीचर्स हैं वो काफी अच्छे इसमें रखे गए हैं। डोर्स भी आपका पूरा वुडन का काफी अच्छा दिया हुआ है, ऊपर की तरफ माइका इसमें लगी हुई है और सेंटर लॉकिंग का इसमें पैटर्न दिया हुआ है जो कि प्योर स्टेनलेस स्टील का इसमें रहेगा। अब हम चलते हैं इसके अंदर। जैसे ही हम इस फ्लैट के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं हॉल दिया हुआ है, काफी बड़ा इसमें हॉल दिया हुआ है, और नीचे फ्लोर पर 2x4 की टाइल का यूज किया गया है। और आसपास आप देख सकते हैं इधर की तरफ मेरे लेफ्ट साइड में विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, जिससे प्रॉपर सनलाइट भी आते रहे। और ऊपर अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो वो भी काफी प्यारी इसमें फॉल सीलिंग बनाई हुई है, और छोटी छोटी LED लाइट्स लगाई हुई है, काफी प्यारी लग रही है, जो कि तारों जैसा फिनिशिंग आती है इसकी LED लाइट्स में। और पेंट भी अगर आप देख सकते हैं तो काफी प्यारा इसमें टेक्सचर वाला इसमें पेंट किया हुआ है, जो काफी खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको इस फ्लैट के बता देता हूँ कहाँ पर क्या क्या है। मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर किचन रहेगी और 2 बेडरूम आपके यहाँ पे सामने दिए हुए हैं इस जगह पर, और 1 बेडरूम इस साइड रहेगा। उन दोनों बेडरूम से आपके लेटबाथ अटैच रहेगा और एक कॉमन लेटबाथ आपका मेरे राइट साइड में दिया हुआ है। और आपके यूटिलिटी एरिया में आपको बताऊँ, इस वाले रूम में भी आपका यूटिलिटी एरिया या फिर बालकनी बोल सकते हैं वो यहाँ पर भी है,
उन दोनों रूम से भी अटैच बालकनी है और इससे भी अटैच बालकनी है, सॉरी यूटिलिटी एरिया। सबसे पहले हम किचन वाले एरिया में चलते हैं। किचन वाले एरिया में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ी सी पार्टीशन भी हुई है और इस पार्टीशन में घुड़न का वर्क किया है, काफी प्यारा लग रहा है। जो इसके ऊपर भी माइका का वर्क किया है, जो कि अगर आप पानी भी डालेंगे सपोज तो इसमें फिसल जाएगा, सीलन वाली समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पर पूरा ग्रेनाइट का वर्क किया हुआ है और स्पेशली इस वाली वॉल पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर लगाया हुआ है। इसका टेक्सचर भी काफी खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे स्विचेस भी जो दिए हुए हैं वो आपके मॉड्यूलर स्विचेस रहेंगे, जिसमें कि अगर पावर बैकअप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यहाँ से ही वो डाउन हो जाएगा, आपकी किसी भी इक्विपमेंट से कोई भी हैवी लोड नहीं आएगा। अब किचन में चलेंगे, जो फ्लोरिंग उधर थी फ्लोर में वही आपके इसमें भी दी हुई है। अप्रॉक्स 10x10 की आपकी किचन रहेगी, किचन भी आपकी पूरी मॉड्यूलर बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं ये आपकी जो रैक है ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ दी हुई है, जो कि आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं, इजीली क्लोज कर सकते हैं। इसके अंदर भी पूरा ग्रेनाइट का वर्क किया हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं इस साइड भी पूरा ग्रेनाइट का इसमें वर्क रहेगा, जो कि मजबूती है, अंदर सीलन जैसी कोई समस्या नहीं है। ये पॉइंट आपका चिमनी के लिए स्पेशली छोड़ा गया है। आपको एक चीज नोटिस की होगी शायद आपने कि इस पूरे ही किचन में यहाँ पर अलग टाइल है, इस जगह पर अलग टाइल है। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा डेकोरेटिव भी लग रही है, और दूसरा इसका रीजन है कि यहाँ पर जैसे आप खाना बनाएंगे, आपने वो रखी अपना गैस स्टोव रखा हुआ है, ऊपर चिमनी लगेगी इस जगह पर, तो काफी जो ऑयली जो डस्ट होती है ये सारी चीजें उस वॉल पे लग जाती है, तो इस पे आप इजीली इसको साफ कर सकते हैं। पूरी रफ भी है और शाइनिंग वाली भी है। एलईडी लाइट्स आपको किचन में भी दी हुई रहेंगी, और किचन से ही अटैच हमारा यहाँ पर यूटिलिटी एरिया भी दिया हुआ है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। सॉरी मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, किचन में आपकी सिंक भी दी हुई है, जो कि ये आपका प्योर स्टेनलेस स्टील का रहेगा, काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और ये हमारा यूटिलिटी एरिया है, ये आपका 6x4 का यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ आप इधर देख सकते हैं, इसमें हमारा छोटा नल भी दिया हुआ है, आप छोटी मोटी कोई वॉशिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको नीचे ये दिखाना चाहूंगा, इसके फ्लोरिंग पर जो टाइल लगी हुई है वो थोड़ी सी खुरदुरी टाइल है, जिससे कि फिसलने का डर नहीं होता। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, पानी अगर रखा हुआ है, सॉरी आई मीन पानी फैला हुआ है यहाँ पर, तो फिसलने की दिक्कत होती है, वो आपको नहीं रहेगी। और इस साइड आपका वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है, आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन है, जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, ऐसा ना लगे कि दम घुट रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ऐसे कमरे में आ गए हैं कि दम घुटा जा रहा है, ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल, तो ऐसा इस फ्लैट में आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं हमारे रूम्स की तरफ। इधर सामने की तरफ हमारे दो रूम भी होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। सबसे पहले हम चलते हैं अपने लेफ्ट वाले रूम में। देखिए बाहर की तरफ भी जो चौखट थी वो भी आपकी ग्रेनाइट की थी, और अंदर की तरफ भी आपको ग्रेनाइट की चौखट इसमें दी हुई। और ये आपका यहाँ पर भी सेंटर लॉकिंग का पैटर्न रहेगा डोर से। जैसे हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर अंदर जो आपकी टाइल्स दी हुई है बाहर वाले हॉल से थोड़ी सी डिफरेंट है, 2x2 की इसमें टाइल्स दी हुई है, काफी प्यारी है। और तीनों ही बेडरूम में आपको अलमीरा इसमें लगा के दी जा रही है, वुडन वर्क मतलब किया जा रहा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये इसकी अलमीरा है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसका स्पेस भी काफी बड़ा है, आप अपने जो भी आपके छोटे मोटे सामान है वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर भी काफी बड़ा इसमें स्पेस दिया हुआ है, और इसके अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी माइका लगी हुई है, जिससे सीलर या फिर दीमक जैसी कोई समस्या आपको नहीं होगी। और स्टेनलेस स्टील की इसमें हुक दिए हुए हैं, जो कि जंग भी नहीं लगेगी उसमें। और साथ ही में ये वाला जो डोर है ये हमारा बालकनी के लिए डोर जाता है। इसकी थोड़ी सी एक स्पेशलिटी बताऊंगा, देखिए स्लाइडली ओपन हो जाता है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ है ये भी हमारा। बालकनी में जाने से पहले मैं आपको इसी रूम से अटैच लैपटॉप दिखाना चाहूंगा। इस जगह पर हमारा लैपटॉप है, इसकी भी चौखट हुई आपकी ग्रेनाइट की रहेगी। ये हमारा ड्रेसिंग वाला एरिया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं काफी प्यारा है, और सामने की तरफ इसमें ड्रॉर्स भी दी हुई है, आप अपने कपड़े क्लोथ्स जो भी सारी चीजें हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। और इसी से अटैच हमारा लेट बाथ भी इसमें दिया हुआ है, लेट बाथ का साइज भी आप देखेंगे 6x8 का इसमें साइज दिया हुआ है, काफी बड़ा साइज है। और मॉड्यूलर इसमें वॉश बेसिन लगा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, सामने की तरफ इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है। ये वाला जो डोर है ये हमारा इजीली क्लोज हो जाता है, इजीली ओपन हो जाता है, बाहर की तरफ जाएंगे ये हमारा बालकनी वाला एरिया है। इसकी बालकनी का साइज मैं आपको बताऊं, काफी बड़ा इसमें साइज दिया हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और पीछे की तरफ होने की पुष्पांजलि सीजन काफी प्यारा इसमें लग रहा है, काफी लाइटिंग के साथ। और यहाँ पर जो हवा आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही अच्छी हवा लग रही है और पॉल्यूटेड एयर नहीं है इस जगह पर, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है।
अभी तक हमने वो वाला रूम देखा था, अब ये दूसरा रूम भी है जो कि हमारे इस साइड की तरफ से हम इसमें जा सकते हैं। और ये हमारा दूसरा वाला रूम का डोर था, मतलब दोनों ही रूम के डोर आपके इसी बालकनी से अटैच किए हुए हैं, जिससे आप यहाँ से भी आ सकते हैं, उससे भी आ सकते हैं। और दोनों ही रूम के डोर आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे। और इस डोर्स में आपका टफन ग्लास का वर्क किया हुआ है। अब हम चलते हैं इस दूसरे वाले रूम के अंदर। आइए, इस रूम में भी आपका नीचे फ्लोर पर 2x2 की टाइल लगी हुई है, और ऊपर अगर आप सीलिंग देखेंगे तो उसका डिजाइन भी काफी खूबसूरत इसमें दिया हुआ है। और एलईडी लाइट्स भी ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाई हुई है, काफी बड़ी बड़ी इसमें एलईडी लाइट्स लगाई हुई है। और सभी रूम में आपको एसी का पॉइंट भी दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्प्लिट एसी का पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप विंडो भी लगाना चाहें तो वो आप अपना थोड़ा पीछे की तरफ से कहीं से लगा सकते हैं। इस रूम से भी आपका अटैच लाइट बात रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो लाइट बात को दिखाने से पहले मैं आपको पीछे वॉर्डरोब बनी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस जगह पर आपकी वॉर्डरोब दी हुई है, और इसके ऊपर आप फिनिशिंग देख सकते हैं, काफी प्रीमियम लुक की फिनिशिंग इसमें दी हुई है। और इसके जो हैंडल्स हैं ये भी प्योर स्टेनलेस स्टील के रहेंगे आपके। और जितना बड़ा साइज आपने उस वाली ड्रॉअर का देखा था उतना ही बड़ा साइज आपको इसमें भी दिया जा रहा है, काफी बड़ा साइज है। अब मैं आपको इसी से अटैच जो लाइट बाथ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये हमारा अटैच लाइट बाथ है इस वाले बेडरूम का, आप देख सकते हैं इसमें भी आपका वॉश बेसिन कवर किया हुआ है। फ्लोर पर 1 feet by 1 foot की इसमें टाइल लगी हुई है, और ऊपर पूरा ही वॉशरूम टाइल से कवर किया गया है, जिसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। और उधर छोटा सा विंडो भी दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और आपकी जो छोटे छोटे जो भी नल्स हैं वो सभी चीजें इसमें पूरी फुल सैनिटरी के साथ कंप्लीट करके तब आपको दिया जा रहा है। अभी तक हम अपने दोनों रूम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं ये वाला हमारा कॉमन लाइट बाथ जो कि इस साइड की तरफ दिया हुआ है, वॉल से अटैच है। ये हमारा कॉमन लाइट बाथ है, आप इसको देखिए, इसकी भी चौखट आपकी पूरी ग्रीन लाइट की रहेगी, और सभी दरवाजों की हाइट आपकी 9 feet की इसमें हाइट दी हुई है। तो आइए, डोर आपके वही वुड के डोर रहेंगे, चारों तरफ दोनों साइड बोर्ड के आपकी माइका लगी हुई है। इसमें भी आपका वॉश बेसिन स्क्वायर शेप में रहेगा, और वही प्योर स्टेनलेस स्टील की इसमें आपकी नल लगे हुए हैं। सामने की तरफ विंडो भी दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और शावर हर एक चीज की आपकी फिटिंग इसमें ओके रहेगी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट रूम में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है हमारा थर्ड बेडरूम। इसमें जाएंगे तो इसमें भी वही सेम नीचे की तरफ टाइल का वर्क किया हुआ है, 2x2 की टाइल लगेंगी। और फॉल सीलिंग भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर इसमें पीओवी की फॉल सीलिंग की हुई है, एसी का पॉइंट इसमें भी दिया हुआ है, एलईडी लाइट्स आपको इसमें भी लगा के दी जा रही है, और इस साइड भी आपको वार्डरोब दिए जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा था उन दो रूम्स में आपको दो वार्डरोब, मतलब एक ही वार्डरोब दी हुई थी, लेकिन इसमें आपको तीन साइज दिए हुए, 1, 2 and 3, और ऊपर की तरफ भी आपको 3 दिए हुए हैं, और साइड में भी आपको भुर्जा पैनल इसमें लगाया गया है, जिससे कि थोड़ा लुक और इनहेंस करने के लिए। और इसी से अटैच हमारा ये बालकनी वाला एरिया भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी डोर्स आपके सभी इसमें स्लाइड वाले रहेंगे, इसका एरिया भी आपका 6x8 का रहेगा, इसको आप अपने एज अ यूटिलिटी एरिया की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपने देखा 1675 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट, और इसमें काफी सारे आपको फीचर्स दिए हुए थे, स्मार्ट लॉक दिया हुआ था डोर्स पर, कार पार्किंग, और भी जो छोटी छोटी चीजें थी, एलईडी लाइट्स, वॉल सीलिंग, हर एक चीज ये सभी आपको एज इट इज प्रोवाइड की जाएगी। तो इस साइट की विजिट के लिए हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं और साइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन रुकिए, हम आपके लिए आगरा में ऐसी प्रॉपर्टीज लेके आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।